गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं बोल क्यों नहीं रहा। तो मेरे जो फ़ोन का माइक है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें रिकॉर्डिंग, जो माइक है ना उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो इसकी वजह से अगर मैं बोलूँगा तो आवाज़ तो आएगी नहीं। तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना लूँ, फिर मैं बोल दूँगा, रिकॉर्डिंग बाद में कर लेंगे माइक। तो माइक को सही कराने के बाद हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैं अभी बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी। हमारा बेंच आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है, बेंच हमारा जो वो भीग रहा है। और सुबह सुबह इतना मौसम ख़राब हो चुका है कि बारिश आ रही है और किसानों की फसल भी बाहर पकी हुई है। तो इस दिनों में तो बारिश की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा मक्खन सिंह चाय पी रहा है पीछे, वो भी देख रहा है कि वीडियो बन रही है। अभी ये भी काम करके अभी फ्री हुआ और अब चाय पी रहा है। तो मौसम देखिए, मौसम बादल ही बादल हैं। अभी बारिश मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी रुकेगी। तो हम वो जो बेंच है ना पार्क से, वो भी अंदर ले आएंगे, मक्खन चाय पी ले, फिर उसको बोलूँगा कि हम इसे अंदर रख लें। बारिश की वजह से बाहर खेतों में पानी भी खड़ा हो रहा है। तो हमने ये देखे, हमने मक्खन को लेकर जो हमारा बेंच था वो हम अंदर ले आए क्योंकि बाहर भीग रहा था। अभी कल ही रखा था और आज बारिश आ गई, तो मक्खन तो घर जाने वाला था लेकिन उसने बीच में ही चाय छोड़ दी और हमने बेंच को अंदर रख लिया। बहुत अच्छा आदमी है मक्खन। तो अभी तो फ़िलहाल पंजाब में बारिश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फसल भी पकी हुई है। तो नुकसान होगा अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है ना। तो ये देखिए हमारा हवेली का हाल भी देख लीजिए। हमने अपनी गायें को अंदर बांध लिया है इस कमरे में क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है, मौसम की वजह से वे बीमार भी हो सकती हैं। तो हमने इन्हें अंदर बांधा है और बाहर मैं दिखाऊंगा आपको खेतों में। तो ये देखिए क्या हाल हो चुका है बाहर जी। हमने अभी बाजरा बोया था और ये भी पानी में डूब गया और बाहर देख रहे हैं खेतों में फसल भी ये देखो पकी हुई है। नुकसान तो बहुत होगा अगर अभी बारिश ना रुकी। अगर बारिश के बाद हवा चल गई तो फिर तो बिल्कुल फसल जो है वो नीचे झुक जाएगी और धान के जो दाने हैं ना वो सभी ख़राब हो जाएंगे। तो हमें तो वैसे पानी की ज़रूरत, हमने पानी देना था अपने फ्लावर्स को, तो पानी तो मिल चुका बारिश की वजह से आप देख रहे हैं। अब हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है और हमारा घास भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई और कलर भी उसका बहुत बढ़िया हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया है। पहले आप देखा था आपने पिछली वीडियो में कैसा था, कितना ख़राब हो चुका था। तो वो देखिए हमारा अर्जुन भी उठ चुका और देखिए जो बाहर देख रहा है, लेकिन बाहर निकलने को इसका दिल नहीं करेगा क्योंकि ये तो बचता है बाहर निकलने से कि मुझे एक्सरसाइज या मुझे रनिंग ना करनी पड़ जाए। कैसे देख रहा है ये देखिए। तब ये बाहर नहीं निकलेगा, इनको बहाना मिल गया इसको। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ बाज़ार से, मैं लेकर आया हूँ ये मोबाइल होल्डर है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे बाइक पे लगा के ना वीडियो शूट करेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम पहले इसे निकाल लेते हैं बाहर।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोबाइल होल्डर है। साइडों में इसके पकड़ मजबूत है क्योंकि मोबाइल इससे गिरेगा नहीं हमारा, और ये घूम भी जाता है एक साइड साइड को। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है अब, क्योंकि हमारा जो कैमरा है ना फ़ोन का, वो आ रहा है इसके बीच में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लगा के ना, वो मैंने क्या किया कि जो कैमरा जहाँ होता है ना, तो उसके बीच में ये आ रहा था, तो मैंने छुरी को गर्म करके ये जो बीच वाला हिस्सा है ना प्लास्टिक, ये निकाल दी, क्योंकि शायद ये अब हमारा जो कैमरा है यहाँ आ जाएगा। तो हम एक क्लिप बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो हमने मोबाइल रख लिया है बीच में, तभी हम बाहर जाएंगे और देखेंगे कैसी वीडियो बनती है। तो ये एक साइड की बनती है, मैं तो चाहता था कि चलो रोड की भी वीडियो बीच बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो जी, हम घर के बाहर निकल गए हैं और ये देखिए ऐसी वीडियो बन रही है, लेकिन ये एक साइड की बन रही है, लेफ्ट साइड की बन रही है। सेंटर में मैं चाहता था सेंटर में बन जाए, लेकिन वो ना मोबाइल होल्डर सेंटर में तक पहुंचता नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बन रही है मोबाइल होल्डर में। हमने जो मोबाइल है वो होल्डर में लगा दिया है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये अच्छी वीडियो बनेगी। तो अभी देखते हैं हम इसे ट्राई करके, इसकी सेटिंग करके, कि ये जो वीडियो है ना वो सेंटर से बने, जिसके बीच में रोड भी आए। ये तो एक साइड की बनी है वीडियो। तो हम घर आ गए हैं, तो इसे ट्राई करके देखेंगे कि सेंटर में काम करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ रेडी होके ऑफिस के लिए। तो अभी बाहर देखा, अभी बारिश शुरू कर नहीं रही, तो अभी हम देखते हैं गाड़ी में जाएंगे या बाइक पे जाते हैं। तो अभी बारिश अभी रुक नहीं रही, सुबह सुबह की हो रही है बारिश, ऐसे ही रुकने का नाम नहीं ले रही। तो फ्रेंड्स, टाइम काफ़ी हो चुका है, 9:51 AM हो चुके हैं। हमने 10 बजे से पहले पहुंचना है ऑफिस, और बारिश भी नहीं रुक रही। डबल माइंडेड हूँ कि गाड़ी में जाऊँ या बाइक पे चले जाऊँ, लेकिन अगर गाड़ी लेंगे तो फिर बाज़ार में जाने में मुश्किल होगी, तो बाइक पे ही जाएंगे हम ऑफिस। तो हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो अभी सबसे पहले हम अगरबत्ती पाठ पूजा करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमें और क्या काम करना है। और हम चेक करेंगे आज अपने कनेक्शन को, BSNL को, कि वो एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। मॉडेम वगैरह तो लग चुका है, लेकिन एक्टिव नहीं हुआ हमारा कनेक्शन। तो सेटिंग उन्होंने भेज दी है मुझे व्हाट्सएप पर, तो हम वो सेटिंग करेंगे मॉडेम पे और चेक करेंगे हमारा नेट जो है वो चला है या नहीं चला। तो फाइनल हमने चेक कर लिया है, नेटवर्क आ गया, हमारा जो कनेक्शन है वो एक्टिव हो चुका है। और अभी हम टेस्ट करेंगे, इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे कि BSNL जो फाइबर केबल हमने लगाई है उसकी स्पीड कितनी है, हमें कितनी स्पीड मिलती है। हमारा प्लान है 599 का 600 का, तो हम देखते हैं अभी इसमें हमें कितनी स्पीड मिलती है, तो स्पीड चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, ये लैपटॉप की स्क्रीन, और इधर आप देख रहे हैं हमारा जो कनेक्ट हो चुका है मॉडम के साथ, ये देखिए। तो मैंने सेटिंग आप ही कर ली थी खुद मॉडम की, उन्होंने यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे भेज दिया था। तो अभी हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे कि कितनी स्पीड मिलती है हमें। तो ये आ गया नीचे स्पीड टेस्ट, तो अभी हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे। तो अभी हम स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कितनी स्पीड मिलती है हमें। ओ वाह, 40, 50, above 50, ये तो 60 के पास पहुंच गया, 54,
डाउनलोड और अपलोड हमें मिल रही है 72, 73 और जे 70। ओके, तो हमें डाउनलोडिंग स्पीड है वो मिलेगी 54.6 Mbps और अपलोड है इसकी 70.6 Mbps स्पीड। तो हमारा जो कनेक्शन है वो एक्टिव हो चुका है और हमें स्पीड का भी पता चल चुका है। तो अभी एक बार हम और टेस्ट करेंगे इस स्पीड का, देखते हैं इसकी रीडिंग सेम आती है या अलग अलग आती है। टेस्ट अगेन पे हमने क्लिक किया और नहीं नहीं इसकी रीडिंग तो बहुत ज़्यादा आ रही है, अब आ रही है 80 Mbps के पास है ये, 79, 78 ओ 75 दे दी। और ये देखिए इसमें भी रीडिंग अब ज़्यादा आ चुकी है, तो इसका मतलब कि कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है। ये देखिए 75.8 और अपलोड 74.2। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे इसे, अभी हमारा कनेक्शन एक्टिव हो गया तो अभी चेक करेंगे लैपटॉप पर, कुछ डाउनलोडिंग करके देखेंगे कितनी स्पीड मिलती है, कितनी जल्दी डाउनलोडिंग होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो अपनी वीडियो है वो भी अपलोड करेंगे, जल्दी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम लगता था अपलोडिंग में, मुझे मोबाइल से अपलोडिंग होते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी हमारे पास जो फास्ट स्पीड है इस इंटरनेट की तो जल्दी अपलोड होगी, तो जल्दी से जल्दी हम मैं अपने व्लॉग पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, जल्दी से जल्दी जितनी भी हो सके। जब भी मैं डेली वीडियो बनाया करूँगा तो अपलोड भी जल्दी हो जाया करेगी, तो अभी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी नेट की। भगवान भी मोदी की तरह ना किसानों को डरा रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश। अभी सुबह बारिश हो रही थी तो अभी देखिए धूप निकल चुकी है, अभी फिर बादल हो जाएंगे। पता नहीं भगवान भी किसानों के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि फसल भी पक चुकी है, अब कटने को तैयार है। तो अभी बारिश आएगी तो सारा फसल जो सारी है वो ख़राब हो जाएगी। तो भगवान भी मोदी की तरह किसानों को डरा रहा है, भगवान ऐसा मत करो।